हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम ईवी लुकास के बहुत ही फेमस ऐसे टाइट कॉर्नर्स को समझ रहे हैं। इस ऐसे में हमें लुकास ने बताया है कि कैसे एक बार वो बहुत ही मुश्किल भरी सिचुएशन में फंस गए थे। डिफिकल्ट सिचुएशन को ही ऐसे में टाइट कॉर्नर्स कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। टाइट कॉर्नर्स डिस्क्राइब्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस्ड बाय ईवी लुकास एंड हाउ ही सेव्ड फ्रॉम ह्यूमिलिएशन एट एन ऑक्शन हाउस। तो इस ऐसे में ईवी लुकास ने हमें बताया है कि कैसे एक बार एक ऑक्शन हाउस में, ऑक्शन हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बोली लगाई जाती है चीज़ों की, बिड्स लगाए जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा ऊंचा अमाउंट बोलता है वो चीज़ उसी को मिल जाती है। तो एक ऑक्शन में वो गए हुए थे और वहाँ पर उनकी बेइज्जती होने ही वाली थी। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जती। तो वो इस सिचुएशन से कैसे बचे अपने नसीब के कारण, सडन स्ट्रोक ऑफ लक, लक का मतलब होता है नसीब, ये यहाँ बताया गया है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन को टाइट कॉर्नर कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऑक्शन से। ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाया जाना और एक सेल रूम होता है, बड़ा सा कमरा। किंग स्ट्रीट नाम की जगह पर ये ऑक्शन हो रहा था जहाँ पर बार्बीजोन पिक्चर्स को बेचा जा रहा था। बार्बीजोन एक जगह है फ्रांस की, तो फ्रांस के पेंटर्स की बनाई हुई पिक्चर्स का ऑक्शन चल रहा था और पिक्चर्स को बेचा जा रहा था और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। 2000, 3000, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा अमाउंट लोग बोल रहे थे सिंपल पिक्चर्स के लिए। ऐसे पिक्चर्स जिसमें एकदम सिंपल सीन्स थे, जैसे फॉरेस्ट के सीन्स या कुछ पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह, पूल्स, इस तरह की चीज़ों की पेंटिंग्स थी। और तब नरेटर के पास यानी ईवी लुकास के पास सिर्फ 63 पाउंड्स ही थे अपने बैंक में और उनके पास मतलब पैसे भी नहीं थे उन पिक्चर्स को ख़रीदने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मजाक मस्ती में मैं भी बोली लगाऊं। पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी वो बोली लगाने लगते हैं। और इसके अलावा उनको कोई नॉलेज भी नहीं थी आर्ट पिक्चर्स के बारे में। नॉट अंडरस्टैंडिंग द इवेंट प्रॉपरली एंड द सीरियसनेस ऑफ द ऑक्शन, लुकास स्टार्टेड रेजिंग द बिड अमाउंट। तो उस इवेंट के सीरियसनेस को बिना समझे लुकास जो हैं वो ऊंची से ऊंची बोली लगाने लगे, बिड अमाउंट को बढ़ाने लगे। लेकिन उनका नसीब बुरा था, बैड लक था, क्योंकि एक डॉबिग्नी पिक्चर, डॉबिग्नी एक बहुत ही फेमस पेंटर थे, उनकी पिक्चर सेल पर लगाई हुई थी जिसके लिए एक अमीर आदमी ने 4000 गिनीज का ऑफर दिया। तो उसने बिड लगाया 4000 गिनीज का। ऑन सीइंग द इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ पिक्चर्स द नरेटर रेज द बिड बाय 50 गिनीज। तो नरेटर ने 4050 गिनी का ऑफर रख दिया जबकि उसके पास ये पैसे नहीं थे, बस मजाक के लिए, फन के लिए उसने पैसों को बढ़ा दिया। बट टू हिज बैड लक द पिक्चर हैड ओनली फ्यू टेकर्स। लेकिन उसका नसीब खराब था क्योंकि उस पिक्चर को लेने वाले बहुत कम लोग थे और कोई भी आगे नहीं आया और किसी ने भी उस प्राइस को और नहीं बढ़ाया, यानी और ऊंची बोली नहीं लगाई और ऑक्शन प्राइस जो है वो उसी के ऊपर आ गया। यानी उसे ही अब 4050 रुपीस पे करने थे नरेटर को जबकि उसके पास पैसे नहीं थे। और यही एक टाइट कॉर्नर था लुकास के लिए, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए और उन्हें मेंटल डिप्रेशन भी होने लगा। सेंसिंग द डेंजर ऑफ द सिचुएशन, लुकास फ्रेंड left the place and he went to the first red-faced bidder and convinced him to get the picture from the narrator by offering 50 guineas. तो इस सिचुएशन के डेंजर को समझते हुए लुकास के एक फ्रेंड थे वहीं पर, वो उस पहले आदमी के पास गए जो रेड फेस्ड आदमी था जिसने 4000 की बोली लगाई थी और उसे कन्विंस किया कि तुम 4050 देकर तुम इस पिक्चर को खरीद लो। ऐसा उसे कन्विंस किया क्योंकि नरेटर के पास, ईवी लुकास के पास पैसे नहीं थे। एट सच सीरियस मोमेंट द नरेटर हैड नो अदर चॉइस लेफ्ट विथ हिम एंड ही डिसाइडेड टू एडमिट हिज फुलिशनेस टू द ऑक्शनियर इन ऑर्डर टू गेट हिमसेल्फ फ्री। तो नरेटर के पास कोई चॉइस नहीं था और वो उस ऑक्शनियर के पास यानी जो पेंटिंग्स को बेच रहा था उस आदमी के पास जाकर सच्चाई सब बताने ही वाले थे कि तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। तभी एक आदमी आया वहाँ पर
और बोला द जेंटलमैन हु बेड फॉर 4,000 गिनीज विल गिव यू 50 गिनीज एंड टेक द पिक्चर। तो उस आदमी ने कहा कि जो जेंटलमैन ने 4,000 गिनीज की बोली लगाई थी वो तुम्हें 50 गिनीज देंगे और पिक्चर को ले लेंगे। यानी वो आदमी 4,050 पूरा पे करने के लिए तैयार था, जो पहला आदमी था। तो ये सुनकर जो नरेटर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। नरेटर इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो खुशी के मारे रोने वाला था। और ऐसी सिचुएशन में फिर उसने मौके का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा और उसने कहा कि वो 50 की जगह 100 गिनीज चाहता है। तो उसने 100 गिनीज मांग लिए सामने वाले से और इस तरीके से उस पिक्चर से छुटकारा पा लिया, क्योंकि पहला जो बिडर था, पहला इंसान जो रेड फेस था, उसने 4,100 गिनीज देकर उस पिक्चर को ले लिया। और इस तरीके से जो नरेटर है वो कभी नहीं भूल पाएगा कि कैसे उसका फ्रेंड उसे उस ऑक्शन में ले गया था और उसके फ्रेंड ने उसके ऊपर एक फेवर किया, क्योंकि उसने रेड फेस मैन को कन्विंस किया था कि वो नरेटर को 50 गिनीज दे, जिसका उसे 100 गिनीज मिल गया था।